नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागरिकता संशोधन के खिलाफ सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग। सीसीए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, भागलपुर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मौन जुलूस के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, सिटी एसपी और डीएसपी ने संभाली कमान। बुधवार से पूरे बिहार में 3 दिनों तक सभी दवा दुकानें रहेगी बंद, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी। और नवगछिया में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव हुआ बरामद, पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका। और अब खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून एनपीआर और एनआरसी के विरोध में देश भर में आंदोलन तेज हो गया है। मंगलवार को भागलपुर में हजारों की संख्या में लोगों ने मौन जुलूस निकालकर नए कानून को वापस लेने की मांग की। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले विभिन्न मोहल्लों से सभी समुदाय के लोग जीरो माइल, मुस्लिम हाई स्कूल, बरहपुरा ईदगाह मैदान और हुसैनाबाद जामा मस्जिद के समीप एकजुट हुए। इसके बाद लोगों का जनसैलाब हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सीएए, एनपीआर एवं एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए समाहरणालय पहुंचा। इसके पूर्व सुबह से ही लोग निर्धारित स्थान पर एकजुट हुए। नाथनगर, सराय, कबीरपुर, फतेहपुर समेत कई मोहल्लों से लोगों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मोदी सरकार की नीतियों की निंदा की और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के लिए घातक बताया। ग्रुप में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश की एकता और अखंडता में फूट डालने वाला शासक बताया। साथ ही सीएए वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इसके बाद संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा से लेकर बुजुर्ग तक धरना पर बैठ गए और अपनी मांग समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। बीच बीच में युवाओं की टोली आक्रोशित होकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद समिति से जुड़े लोगों ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। मौलाना खुर्शीद अनवर, मौलाना फारूक आलम अशरफी, मौलाना अताउल रहमान, वर्दी खान, डॉक्टर सलाउद्दीन असहन, सैयद राबी हसन, मेराज बबलू समेत कई राजद नेता और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में नए कानून को संविधान के खिलाफ बताया और कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं भागलपुर में विभिन्न स्थानों से निकाले गए जुलूस का जायजा लिया सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामउद्दीन ने। नागरिकता संशोधन कानून एनपीआर और एनआरसी को लेकर के भागलपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से मौन जुलूस निकाला गया है। मौन जुलूस में हजारों की संख्या में युवा शामिल है, लोग शामिल है, हर समुदाय संप्रदाय के लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के भीकनपुर में भी, जहां भी मौन जुलूस निकाला जा रहा है सीएए और एनआरसी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में युवा हैं और युवा जो देश में जो कानून बनाया गया है, जो नया कानून लाया गया है, उसके खिलाफ मौन जुलूस कर रहे हैं, मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए हैं, वहाँ पर काली पट्टी लगाए हुए हैं और युवा जो है तो प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कानून देश हित में नहीं है और इसे वापस लेना होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर जिला समाहरणालय के ठीक सामने। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के युवा आक्रोशित हैं और युवा यहाँ धरना पर बैठ गए और वह सीएए और एनआरसी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की जो नीति है उसको उसके खिलाफ अपना अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में और एनआरसी और सीएए को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामउद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भागलपुर के अधिवक्ता भी उतर चुके हैं। मंगलवार को जिला विधिक संघ के अध्यक्ष सह वरिष्ठ अधिवक्ता
अभय कांत झा ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सीएए के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की बात कही। अधिवक्ता सारिक मंजूर ने कहा कि सीएए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विपरीत है, वहीं डीबीए अध्यक्ष अभय कांत झा ने नए कानून को लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही वकीलों द्वारा सीएए के खिलाफ काली पट्टी बांधकर कार्य करने की बात कही। मौके पर संजय मोदी समेत जिला विधिक संघ के अधिवक्ता मौजूद थे। डीएम साहब ने सारे हमारे जो दिए हुए थे आवेदन पत्र, उस आवेदन पत्र को उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये चूंकि पार्लियामेंट की बात है और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना है, निर्णय उनको लेना है, मैं आपके इन बातों को जो आवेदन पत्र के माध्यम से भेजा है आज ही मैं उन्हें भेज दूंगा। हाँ, हम लोगों ने इस बात का विरोध किया है। ये जो कानून है ये बिना सोचे समझे दिया गया है, जिसका कि पार्लियामेंट ने जो अभी प्रस्ताव दिया है वह मंजूर होने योग्य नहीं है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारे साथ हमारे सीनियर डीबीए के प्रेसिडेंट श्री अभय कांजा जी हैं, हमारे महासचिव श्री संजय मोदी जी हैं, हमारे जो है संविधान बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ के जो लीगल हेड हैं वो अरुणाब शेखर जी, सब हमारे साथ हैं आज। तो इसका जनरली पूरा डीबीए आज हमारे साथ खड़ा है, वो लगातार हम लोग टाइम टू टाइम इस पर फिक्स करके प्रदर्शन करेंगे और इस पर बात करेंगे। भागलपुर में नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर के विरोध में मंगलवार को विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी काफी सक्रिय दिखे। जुलूस के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। जीरो माइल, ततारपुर, वरहपुरा, मुस्लिम हाई स्कूल और समाहरणालय परिसर के अंदर और बाहर प्रदर्शनकारियों पर नज़र रखने के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद थे। वहीं संबंधित थाना के थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र से निकलने वाले मौन जुलूस की सूचना वरीय अधिकारियों को दे रहे थे। समाहरणालय में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, जबकि मुख्य द्वार पर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। इस दौरान भागलपुर एसएसपी आशीष भारती अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पल पल की अपडेट ले रहे थे। वहीं सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि जुलूस में शामिल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है, जिसके बाद समिति के सदस्यों को ज्ञापन देने के लिए डीएम के पास भेजा गया। सिटी डीएसपी ने कहा कि जुलूस को लेकर सभी थानाध्यक्ष को सख्त दिशा निर्देश दिया गया था। ये सारे जगहों पर जो मुख्य चौक चौराहे सब पर मजबूत की गई है और अभी जो प्रतिनिधिमंडल आएगा उसे डीएम साहब से मिलवा देंगे हम, और इसके बाद मुझे आशा है कि शांतिपूर्वक भीड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत यातायात पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलराइज रहे। बिहार केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार से 3 दिनों तक पूरे बिहार के दवा व्यवसायी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान दवा के थोक एवं खुदरा व्यवसायी अपने दुकानों को बंद रखेंगे। दवा दुकानों में हो रही हड़ताल के कारण आम लोगों एवं मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं भागलपुर के दवा दुकानदार भी बुधवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले जाएंगे। इसको लेकर भागलपुर दवा दुकानदार संघ की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। दवा दुकानदारों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारे राज्य संगठन पीसीडीए पटना के आह्वान पर हम लोगों ने पिछले 6 महीना पहले जुलाई में भी एक दिवसीय बंदी की थी। हमारी मुख्य मांग है फार्मासिस्ट की समस्या। केंद्र सरकार का कानून है, ये अंग्रेजों के समय में बना हुआ कानून है, ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट एक्ट 1940। उस कानून में प्रावधान है कि हर एक खुदरा दुकान में फार्मासिस्ट होना चाहिए। ये उस ज़माने की बात है 1940 की। आज देश चांद पर जा रहा और हम लोग यहाँ फार्मासिस्ट खोज रहे हैं। तो जैसे कि आज बिहार में जो इतनी सारी पहले से दवाई दुकानें पुरानी दुकानें जो हैं उसमें पहले से फार्मासिस्ट की कमी है। बिहार में लगभग हमारे अनुसार से अंदाज से 40,000 के लगभग दुकानें हैं, इसमें फार्मासिस्ट की संख्या मात्र 13,000। पहले तो सबसे बड़ी समस्या है।
जिसकी सरकार की उसकी तरफ से कोई इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। फार्मासिस्ट जो लागू किया है बिहार में, तो फार्मासिस्ट का तो कॉलेज भी नहीं है, और दूसरी बात फार्मासिस्ट जितना भी मेडिकल फार्मासिस्ट तुरंत कहाँ से लाएगा। नवगछिया पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान सोमवार की देर रात फूड प्लाजा के समीप लीची बगान से अर्धनग्न अवस्था में एक महिला को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान परवत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी दिलीप यादव की पत्नी सीता देवी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण महिला ने खुद जहर खाकर आत्महत्या की है। थानाध्यक्ष ने कहा कि महिला के शरीर से थायमेट का दुर्गंध आ रहा था, जिसके बाद महिला के पास पड़े थैली की जांच की गई, जिसमें जहर की बोतल बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के लोग दुष्कर्म के बाद हत्या करने का अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने पति पत्नी के बीच हुए विवाद के कारण महिला के आत्महत्या करने की बात कही। मोबाइल से सूचना मिली कि एक लेडी है जो कि पूरा बेचैनी हालत में अपने कपड़े को ये फाड़ रही है, और लगता है कि जहर वगैरह खा रही है, थूक थक रही है, और मुंह से कुछ लाल फेन वगैरह गिर रहा है। तो गश्ती दल को तुरंत भेजा गया, उनको अस्पताल लाया गया, और उनके पास एक पर्स मिला। पर्स के अंदर में बोतल था जो जहर का बोतल, पॉइजन का बोतल था, और एक उसी पर्स में थायमेट का एक पैकेट था जिसमें से कुछ थायमेट निकला हुआ था। शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसमें पूरा थायमेट दुर्गंध दे रहा था थायमेट का, और उसके पास एक मोबाइल भी था, पर्स में मोबाइल था। उसके बाद उसके पति से संपर्क किया गया, तो उसके पति द्वारा बताया गया कि कल शाम को हमसे कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद फिर वो निकल गई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे, और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। वाका के बौसी स्थित शिव पार्वती धाम में मंगलवार को एनडीए कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, राज्य महिला आयोग की सदस्य निक्की हेमरम समेत भाजपा, जदयू एवं लोजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर विकास कार्यों की जानकारी लेंगे एवं कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं निक्की हेमरम ने कहा कि पूरे बिहार में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान मकर संक्रांति को लेकर मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। बैठक में महादेव शर्मा, प्रकाश चंद्र चौधरी, अमित कुमार, लाल मोहन यादव, धर्मेंद्र पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद यादव मंगलवार को बांका पहुंचे, जहां परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर 24 जनवरी को मानव कतार बनाने की बात कही। डॉक्टर विनोद यादव ने कहा कि 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ प्रवचन ही दिया है। उन्होंने बिहार में गिरते शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया।
मौके पर जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, नैन सिंह, समसाद आलम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। है समाज के आगे बढ़ने के लिए, और शिक्षा जब मिलेगा समाज को तो उसके बाद जो जरूरत होती है वो नौकरी की जरूरत होती है। नीतीश सरकार ने 15 साल में न लोगों को शिक्षा दिया है न नौकरी दिया है, और हाल में जो उन्होंने मानव कतार लगाया था वो जनता को भटकाने के लिए लगाया था मुख्य मुद्दों से। हमारा जो ये मानव कतार लग रहा है ये जनता को मुख्य मुद्दों के बारे में बताना है। CAA, NPR और NRC को लेकर मंगलवार को भागलपुर में कई स्थानों से मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने नए कानून को वापस लेने की मांग की। CAA और NRC को लेकर आखिर लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इससे जानने के लिए प्रदर्शनकारी युवाओं और विभिन्न कमेटी से जुड़े लोगों से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के कचहरी चौक पर, और यहाँ CAA और NRC को लेकर युवा जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं कि वो अर्धनग्न होकर आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों बताइए। भारतीय जनता पार्टी गोरसे का दिमाग लगा रही है, और इस भारतीय जनता पार्टी को मैं रिजेक्ट करता हूँ, और NRC, NPR और CAA को जो लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये RSS के मानसिकता की रूप है, ठीक है। और इस चीज से मुझे आजादी चाहिए, मुझे सेकुलरिज्म आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। युवा बोले आजादी चाहिए, दूसरे युवा बताइए आप क्यों, आखिर क्यों, किस तरीके की आजादी चाहिए। हमें ये इससे NRC से आजादी चाहिए, और ये CAA जो है उससे आजादी चाहिए। मोदी सरकार आप ये काला कानून हटाइए, काला कानून हटाइए क्यों हटाइए, आखिर क्यों हटाइए। ये गरीबों को जो हमें सताया जा रहा है NCR से और CAA से, ये इससे हम लोग को आजादी चाहिए। NPR और CAA को लेकर के देश में विरोध प्रदर्शन जारी है लगातार, इसका सभी समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं और इसे राष्ट्रहित में नहीं बता रहे हैं। आज भागलपुर में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं कि वो इस कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं। सर आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। विरोध यही कर रहे हैं कि जैसा कि NRC है, NRP का मतलब हम लोग अभी तक नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह कि जुलूस जो निकल रहा सिर्फ मुस्लिम विलेज में ही निकल रहा, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। और जैसा कि मालूम हुआ कि सारे हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाला जाएगा, इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे, कानून को वापस लिया जाए। हम लोगों में ऐसा भय हो गया है कि मुसलमानों को देश से निकाला जाएगा। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आप इस कानून को कैसे देखते हैं। मैं सादिक हसन बरपुरा का हूँ। ये जुलूस जो निकाला जा रहा है ये अपनी लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी लड़ाई है, और इसमें सभी लोग शामिल हैं। ये आप जो मैदान देख रहे हैं सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि सब लोग शामिल हैं, क्योंकि संविधान एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। तो जब संविधान चेंज होता है तो उसके लिए कानून बनता है, कानून के मुताबिक ही संविधान बनता है। तो ये अलग से संविधान बनाएगा जिसके विरोध में हम लोग आज जुलूस निकाल रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए संघर्ष है। आप बताइए आप जो है तो किस उद्देश्य से इस मार्च में शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ये कौन सा कानून है। हम हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट दिखाते हैं, और वो कंट्री हमें हिंदुस्तानी मानती है, और हम हिंदुस्तान में रह के पासपोर्ट दिखाने के बाद भी हिंदुस्तानी नहीं कहलाते हैं। ये कौन सा कानून है और हम इसका विरोध करते हैं। खुले तौर पर CAA का विरोध हो रहा है, कुछ युवा भी है हमारे साथ, हम उनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताइए क्यों विरोध, क्यों ये हो रहा है कि यहाँ जो है अपने जितने भी भाग जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जो है वो जुल्म कर रहे हैं, इस कानून को वापस लेने के लिए हम लोग जो है ये विरोध करते हैं। हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी केंद्र सरकार की नीतियों से नाखुश है। हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। आखिर बताइए आज जो संविधान बचाओ देश बचाओ का आप बैनर लगाए हुए हैं, क्या संविधान आखिर ये जो है तो कानून जो पास हुआ है तो आपके ही जनप्रतिनिधि ने इस कानून को बनाया, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि ने नहीं बनाया है ये कानून सिर्फ BJP ने अपने लिए बनाया है।
ताकि वो अपनी हुकूमत हिंदुस्तान पे कर सके और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें हम हमेशा परेशान करते रहें और बर्बाद करते रहें और अपनी हुकूमत जमाए रहें। CAA कानून या NPR कानून या जो भी कानून है, NRC कानून, ये तमाम कानून सिर्फ वो अपने लिए बनाया, हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों को बर्बाद करने के लिए बनाया, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सबको बर्बाद करने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से देश के लोगों में NRC, CAA और NPR को लेकर के विरोध है। भागलपुर में मौन जुलूस आज निकाला जा रहा है, उसके समर्थन में हजारों की संख्या में लोग शामिल है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV, भागलपुर। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पर मुहर लगा दी है, इसके बावजूद क्या खास और क्या आम, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर में कई संगठन नए कानून को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। CAA के खिलाफ मंगलवार को भागलपुर में भी हजारों की संख्या में लोगों ने नए कानून को काला कानून बताया और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। NPR, NRC और CAA को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। जिलाधिकारी के पास CAA और NRC विरोध में आए थे और हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया एक मुख्यमंत्री के नाम से और एक राष्ट्रपति के नाम से। केंद्र साहब ने हम लोगों से वादा किया कि हम आपके इस मेमोरेंडम को मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाएंगे और साथ ही राष्ट्रपति तक भी पहुँचाएंगे। आक्रोश यह है कि सरकार इस चीज़ को स्पष्ट नहीं करना चाह रही है कि ये CAA क्या है और किस वक्त प्रभावित होगी। ये सरकार पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन चल रहा और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कहीं आकर के इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे कि हमारा इरादा क्या। अगर वो सारी बात को क्लियर कर दे तो शायद ये जो हुजूम आज रोड पर है वो रोड पर नहीं रहेगा, अपने काम धंधे करने लगेगा। जब से देश में मोदी सरकार और अमित शाह आया है पूरे देश का माहौल खराब कर दिया और ये जब से बार बार हिंदू मुस्लिम को सिर्फ लड़ाने का काम कर रहा है और ये काला भी जब तक ये मोदी सरकार और अमित शाह वापस नहीं लेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। CAA NRC पर संविधान से छेड़छाड़ किए हैं और तो छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो ये मांग है कि इस देश में सभी हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख सभी हैं, सभी का रहने का अधिकार है। मांग है कि NRC जो लागू कर रहे हैं जो विशेष व्यक्ति विशेष करके सिर्फ मुस्लिम को छाटा जा रहा है और बाकी सभी धर्म के लोग को छोड़ा जा रहा है NRC के लिए, उसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं। ये काला कानून जो हम लोग के ऊपर में थोपा गया है इसके हम लोग खिलाफ हैं, इसके अगेंस्ट हैं, इसको हम लोग नहीं चाहते हैं और इसको वापस लेना होगा। हमेशा गोदी मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि CAA के बारे में बोलता है कि ये तो और नागरिकता छीन नहीं रहा, ये तो नागरिकता दे रहा है, लेकिन हालांकि है कि इसमें ज्वाइंट है। जैसे हम लोग इसलिए आदमी बोलता है कि डरा हुआ क्यों है, क्यों डर रहा हो, हम इसलिए डर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और हमारे प्रधानमंत्री साहब अलग अलग भाषण देते हैं, इसलिए कि इसके जस्ट बाद NRC लाएगा। मेन डर हम लोग उसी का है, NRC जब लाएगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। भागलपुर सनहौला प्रखंड तेलंदा पंचायत में मुखिया शिव कुमार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार कंबल वितरण किया जा रहा है। एक सप्ताह से ठंड को देखते हुए चल रहे अभियान में मुखिया शिव कुमार ने 2000 कंबल का वितरण किया है। मंगलवार को मुखिया ने पंचायत में शिविर लगाकर वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग लोगों के बीच सैकड़ों कंबल बांटे। मुखिया ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मौके पर जनार्दन प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रोशन कुमार समेत काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कोतवाली चौक स्थित गोपेश्वरनाथ मंदिर परिसर से निकाली गई शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए कथा स्थल पहुंचा। मां शाकंभरी परिवार की ओर से आयोजित भागवत कथा में कोलकाता से आए भागवताचार्य शिवम विष्णु पाठक प्रवचन देंगे। वहीं शोभा यात्रा में श्रद्धालु काफ़ी उत्साह के साथ झूमते गाते नजर आए। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागरिकता संशोधन के खिलाफ सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग। C
सीसीए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, भागलपुर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मौन जुलूस के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, सिटी एसपी और डीएसपी ने संभाली कमान। बुधवार से पूरे बिहार में 3 दिनों तक सभी दवा दुकानें रहेगी बंद, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी। और नवगछिया में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव हुआ बरामद, पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।